जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरे प्यारे सब्सक्राइबरां नू मेरी तरफों सलाम। ते अल्लाह पाक तुहाडे ते रहमत करे। ते जनाब अज इधर कसूर रोड दे उत्ते गजू मत्ते दे कोले एक घोड़ी दी पुछ पई है जनाब, ते मैं उधर चलिया। ते इंशाअल्लाह ताला तुहाडे वास्ते तुहाडी खिदमत दे विच घोड़ी दी वीडियो बनान चलिया जनाब। तो दुआ करिया जे, तो मेरे चैनल नू बाबे दे चैनल नू सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, ते लाइक करया करो, ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करया करो अपने दोस्तों नू। तुहाडे वास्ते मेहनत करना जनाब, ते अल्लाह तो सिला मांगना सुनिया सुनियो अल्लाह तो सिला। ते जनाब अल्लाह पाक तुहाडे ते रहमत करे और तुहानू तुहाडे ते खैरियत करे। तो चलो ज़रा सफ़र शुरू करने आ। ते चलो ज़रा मोटरसाइकिल भी चलाने आ। चल पाए जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आपको हम तस्वीर नहीं दिखा सकते, तो ये एक आप समझ लें, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे है ने जड़े काठी बिल्कुल छोटी उम्र दे जड़े अपने शौक वास्ते काठी वगैरह ला रहे हैं। ये देखो हत्थों तो अंदाजा कर लो कि किड़े किड़े बच्चे ने। ये देखिए जी, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन माशाल्लाह ये आपको मैं बता दूं कि ये हाफ़िज़े कुरान भी हैं और उन्होंने सुन्नत के लिए सिर्फ के लिए घोड़ी रखी हुई है जी, माशाल्लाह। और ये देखें काठी वगैरह ये डाल रहे हैं, और ये साथ में छोटा सा छोटी इनकी बछेरी भी हैगी। पंजाबी ही गल करने पाजी, यह जी बछेरी है इनकी नाल, तो महीने की दी बछेरी है। तो घोड़ी शौक वास्ते लई है जी, हाफिज़ साहब ने घोड़ी शौक वास्ते रखी। तो उन्होंने कहा जी नंबर भी तुसी अपना ही देना, तो आप ही तुसी वेचनी बुचनी है, क्योंकि वो जिहड़े बंदे तस्वीर नहीं खिचाते पे तो वह फिर इस चीज़ नूं बुरा समझते हैं। तो जनाब तुसी मेरे नाल राबता करना है, तुसी ये ना हुण समझ लिया जी कि मैं बेईमान हैगा या शायद उन्हां दा नंबर नहीं दिता, मगर यह उन्हां दी जिहड़ी है फरमाइश भी कह लो कोई कि यह काम नहीं। घोड़ी तो तुसी पैर पूर माशाल्लाह वेखो, और यह घोड़ी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने शौक वास्ते एक नबी पाक की सुन्नत वास्ते उन्होंने जी रखी है। और छोटे छोटे बच्चे जिहड़े ने यह जनाब घोड़ी दे बच्चे दे पैर दे पिछले पासे वो किसे इन्होंने रस्सी बन दी, क्योंकि इन्हों पता नहीं सी पैर दे उत्ते बन्नी है रस्सी। मैं तुहानू दिखा दिना घोड़ी दे बच्चे दा छोटा जिहा पिछे ए पैर ते उन्होंने पिछों रस्सी बन दी सी, ते रस्सी कस दी सी, वो फिर इन्होंने खोली नहीं। किसी ने इन्हों कहा जी ये लत्तां सीधा सीधियां करन वास्ते रस्सी बननी है, ते वो परली लत्त दे उत्ते भी उन्होंने बन दी। ए वेखो इधरों भी बन्नी हुई है, तो इधरों भी बनी हुई थी अगले पासों भी। ए देखो इधरों भी रस्सी बनती, हूँ रस्सी उन्होंने खोल दी है। तो यह देखो माशाल्लाह यह बछेरी है जनाब, और देसी बछेरी है, पैर पूर भी माशाल्लाह सही ने, हूँ तो अगे नालों बेहतर हो गई है। तो जी तुम असं विखाने कड़ी वाला कुड़ी वाला पा रहे माशाल्लाह, तीन बच्चे ही लगे हुए हैं।
लो जी माशाल्लाह बच्चा बैठ गया उपर घोड़ी दे ते तुहानू बैक तो मैं दिखावांगा। और देखो और देखो बछेरी भी जिहड़ी नाल नाल भज रही है, तुहानू ऐ ना लगे कि पता नहीं वो टुरदी है या नहीं टुरदी है ना। आस्ता आस्ता कोई बात नहीं। लो जी मम्मी उन्होंने मगर मगर जे सर उन्होंने यह है कि वह कहते हैं कि असी जी ना तस्वीर साड़ी ना आवे। ठीक है जनाब पोज़ किस पोज़ ही है ना पोज़ है पोज़ ही है इधर आ जाओ फ्रेम के बीच घोड़ी आ रही है आ रही मैं आ रहा जी हाँ बिल्कुल एक जगह दूसरे फ्रेम रखे ठीक है ओके पोज़ ही खोल देना है अच्छा ठीक है ओके बोल दिया जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज थोड़ा वीर नवाज इधर गजू मत्थे वाले इलाके दे विच काना कसूर रोड के उत्ते काना एक इलाका है गजू मत्था एक इलाका है जिथे मैं इस वक्त मौजूद हाँ तो मेरे दोस्त ने सबसक्राइबर ने साढ़े चैनल दे नवाज हॉर्स वाला दे ते जनाब उन्होंने कोल एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ी खड़ी है और इन्हें नाल एक छोटी बच्ची भी है बछेरी उन्हें थोड़े जे पैरों के उत्ते पिछले पैरों के उत्ते मसला है उन्हें दे टाकियां वगैरह लेटियां सी किसी ने कहा कि उन्हें लत्तां जिहड़ियां सीधियां हो जाएंगे तो अभी हेठ लो लेकिन उन्हें जख्म हो गया बाकी उन्होंने चलन फिरन का बछेरी जिवें चलती है भजदी है वो तुहानूं पता लग गया उन्हें कोई चीज़ नहीं असी कोई चीज़ छुपानी भी नहीं और मालकां का भी कहना है कि असी कोई चीज़ इन अंदर नहीं छुपावनी जो हकीकत है वो तुहाड़े सामने कोई धोखा नहीं कोई फरेब नहीं घोड़ी भी तुहाड़े कोल है क्योंकि बच्चा पहले दौड़ा रहा सी मगर बच्चे का फेस नहीं आ रहा सी ते हुण मैं खुद घोड़ी उत्ते बैठागा ताकि जिहड़ा तुहानूं पूरे तरीके दे नाल जिहड़ा वो पता लग जाए ते इह नाल बछेरी खड़ी है बिल्कुल तुहाडे सामने एक महीना जिहड़ा है इहदी उम्र है ते घोड़ी उहनां दे कोल है चार पाँच महीने तो घोड़ी उन्होंने राइडिंग वास्ते इस्तेमाल नहीं की और इस सुन्नत रसूल वास्ते उन्होंने अपनी सुन्नत अदा करने वास्ते घोड़ी खरीदी है और खरीद के अपने कोल रखी चार पाँच महीने तो उन्होंने कोल है। तो चलो जनाब तुहानूं सवारी अज्ज इन्हां दे घोड़ी ते करने आ ते वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर करना और ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों नूं शेयर करना और इन घोड़ी का नंबर मालकां का नंबर मैं अपनी रजा नाल उन्होंने कहा कि नंबर दे दो लेकिन वो कहिंदे नहीं नमाज़ भाई तुसीं अपना नंबर दो मेरा इन्दे विच नंबर देने दे विच मेरी कोई कसूर नहीं है मैं उन्होंने बड़ा फोर्स किया लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुसीं अपना नंबर ही दो क्योंकि वो वाइट कर रहे हैं तो जनाब मैं अपना नंबर दे रहा अपनी मर्जी नाल उन्होंने मर्जी नाल 0334-4155-962 यह मेरा वट्सएप नंबर जे और मेरा जायज़ का नंबर भी दूसरा है जे वो भी मैं कह दिना 0302-4402-3294 यह मेरा दूसरा नंबर है जे तो वट्सएप का नंबर दसता है दूसरा नंबर भी तुहानूं दस दिता जे कीमत इसकी जनाब 1,20,000 रुपया फाइनल कीमत है इन्हें मज़ीद प्यार मुहब्बत भी हो जाएगा अगर तुम लैन के ख्वाहिशमंद हो तो तुम कॉल कर सकते जे कमेंट कर सकते जे वट्सएप के उत्ते राबता कर सकते जे चलो वीडियो शुरू करने और घोड़ी सवारी करने ते इंशाअल्लाह ताला तुहानूं दिखाने और ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक और शेयर करना ताकि काफ़ी दोस्तों तक ये चीज़ पहुँचे अगर कोई बच्चे दे लैन दे शौकीन ने कोई घोड़ी दे राइडिंग वास्ते शौकीन ने तो साडे नाल राबता कर सकते सवारी कर रहे हैं यहाँ पे आगे आगे आ
ओके आहो क्यों? बस वो किसी ने कहा जी ये लत्तां डिंगियां हो जाएंगे रस्सियां बांध लो लो जी माशाल्लाह बछेरी बहुत खूबसूरत है लेकिन यह लत्तों के जख्म नाल कर देते हैं लो जी दूध पी रही बछेरी ते लत मारी मैं
हाँ जी हाँ जी, ये तो भाई एक नैचुरल चीज़ है। जी जी